राम राम दोस्तों, मैं हूँ अनीता गौर। आरआरडी की खास सीरीज पॉलिटॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद देश को अपना नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। इस बार एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा में मुकाबला है। आंकड़ों को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है और अप्रत्याशित परिणाम की संभावना कम ही है, और हुआ भी तो कम से कम 1969 जैसा हाल नहीं होगा। दोस्तों, आमतौर पर राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादा राजनीति नहीं देखी जाती, इस बार भी ऐसा ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1969 का राष्ट्रपति चुनाव इस मामले में अपवाद है। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव भारत के इतिहास में सर्वोच्च पद के लिए हुआ सबसे दिलचस्प चुनाव था। आज हम पॉलिटॉक्स में इसी किस्से की बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं 1964 के दौर में। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस में नेतृत्व के लिए मारामारी थी। नेहरू के वफादार कांग्रेसियों को इंदिरा गांधी में भविष्य दिख रहा था, मगर क्षेत्रीय कांग्रेस नेताओं जैसे कि के कामराज, एस निजलिंगप्पा, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, संजीव रेड्डी का एक खेमा जिसे सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, इंदिरा जी के खिलाफ था। नेहरू जब पीएम रहे, कांग्रेस का अध्यक्ष उनकी छत्रछाया में रहा, लेकिन इसी सिंडिकेट ने जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया। सिंडिकेट के सारे समीकरण ठीक से बैठ पाते उससे पहले ही शास्त्री जी का ताशकंद में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सिंडिकेट को फिर से प्रधानमंत्री के पद के लिए किसी को चुनना था। नेहरू सरकार में वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई ने दावा ठोका, लेकिन वह सिंडिकेट की पसंद नहीं थे। एक और प्रस्ताव आया कि कामराज को पीएम बनाया जाए, मगर उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि नो हिंदी नो इंग्लिश कैसे। तो फिर देसाई की दावेदारी को काउंटर करने के लिए मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम द्वारका प्रसाद मिश्र ने कामराज को सुझाया कि सिंडिकेट की तरफ से इंदिरा का नाम बढ़ाया जाए। लोगों के जहन में और कांग्रेस के भीतर भी नेहरू की यादें ताजा थीं। लाल बहादुर शास्त्री ने भी इंदिरा को अपनी कैबिनेट में जगह दी थी। इंदिरा के नाम को देसाई ने चुनौती दी, मगर कांग्रेस के भीतर उनकी चल न सकी। इंदिरा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। सिंडिकेट ने दो प्रधानमंत्रियों के लिए किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। अब इस समूह को लगने लगा कि सरकार पर उसका ही प्रभुत्व होना चाहिए, लेकिन इंदिरा जी को यह नागवार गुजरता कि कोई उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश करे। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे बैठे इंदिरा जी को बेड़ियों में जकड़े होने का एहसास होता था। इसी बीच 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस जीती तो जरूर, मगर कई राज्यों में उसकी पकड़ कमजोर हो चुकी थी। चुनाव के बाद सिंडिकेट ने गांधी को मजबूर किया कि वे देसाई को डिप्टी पीएम का पद दे और वित्त मंत्री बनाए। 1967 के मध्य में इंदिरा ने 10 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। वह सरकार की आर्थिक नीति पर अपनी स्वतंत्रता जाहिर करने लगी थी। इंदिरा के स्वच्छंद होने से पार्टी नेतृत्व चिढ़ गया। इंदिरा के पर कतरने की तैयारी होने लगी। इधर इंदिरा भी कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी से सीधा मुकाबला शुरू होने का इंतजार कर रही थी, और दोनों को मौका मिला मई 1969 में। तब देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की हार्ट अटैक से मौत के बाद 1969 में चुनाव कराया गया। 1969 से पहले तक उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बनाने की परंपरा थी। हालांकि सिंडिकेट ऐसा नहीं चाहता था। के कामराज ने फिर पासा फेंका। उन्होंने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि वे राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार नामित हों। इंदिरा जी की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, मगर वह समझ जरूर गईं कि यह चुनाव पार्टी में उनकी हैसियत तय करने वाले हैं। तब सिंडिकेट की तरफ से तत्कालीन लोकसभा स्पीकर नीलम संजीव रेड्डी का नाम तय किया जा चुका था। सिंडिकेट और रेड्डी की करीबी जग जाहिर थी। इस चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने पसंद का उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन बुजुर्ग कांग्रेस नेताओं का सिंडिकेट इंदिरा की नीतियों को पसंद नहीं करता था। इसी गुट ने जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद इंदिरा गांधी को पीएम बनने से रोक दिया। पार्टी पर इस गुट का ज्यादा प्रभाव था, जिसके दबाव में कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। इंदिरा गांधी समझ गयी कि यह कदम उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर करने और देसाई को पीएम बनाने के लिए उठाया जा रहा है। वह नाराज होकर बेंगलोर की ओर रवाना हुई। उधर उपराष्ट्रपति रहे बीवी गिरी ने ऐलान किया कि वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। इंदिरा जी को एक मौका दिखा। इंदिरा गांधी जानती थीं कि कांग्रेस उम्मीदवार से अलग गिरी का समर्थन करने के लिए उन्हें पार्टी में धमक बनानी पड़ेगी। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन बड़ी चालाकी से। रेड्डी को आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार मानने पर मजबूर किए जाने के कुछ दिन के भीतर ही इंदिरा जी ने 16 जुलाई को देसाई को वित्त मंत्रालय से बाहर कर दिया।
20 जुलाई को अचानक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ऐलान कर दिया गया। यह आखिरी आदेश था जो कार्यकारी राष्ट्रपति रहते वीवी गिरी ने साइन किया। फिर वे निर्दलीय चुनाव लड़ने उतर गए। उधर इंदिरा ने रेड्डी के लिए नामांकन दाखिल किया, मगर कांग्रेस सांसदों के लिए विहित जारी नहीं किया। बतौर प्रधानमंत्री पार्टी की संसदीय पार्टी की मुखिया होने के नाते इंदिरा चाहती तो विहिप जारी कर सकती थी, मगर उनके इरादे कुछ और थे, जिसकी भनक सिंडिकेट को भी थी। सिंडिकेट को यह अंदेशा तो था कि गांधी शायद गिरी के समर्थन में आ सकती हैं। विपक्ष में सीडी देशमुख के रूप में साझा उम्मीदवार उतारा था। बस निजलिंगप्पा से चूक यह हुई कि वह मुख्य विपक्षी दलों स्वतंत्र और जनसंघ के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा दूसरी वरीयता का वोट रेड्डी को दे। यह जानकारी मिलते ही इंदिरा ने फौरन आरोप लगाया कि सिंडिकेट ने उन्हें अपदस्थ करने के लिए सांप्रदायिक ताकतों से समझौता कर लिया है। अब उन्होंने खुलकर गिरी का समर्थन शुरू कर दिया। वोटिंग की रात से ठीक पहले इंदिरा ने अपनी पार्टी के सांसदों से चुनाव से मात्र 4 दिन पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस के युवा नेताओं को एकजुट किया और वीवी गिरी की जीत की पटकथा लिखी। नतीजों में इंदिरा की अपील की झलक दिखी। 163 कांग्रेस सांसदों ने गिरी को वोट दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत गए। देशमुख से ट्रांसफर हुए दूसरी वरीयता के वोटों के आधार पर वह आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार को हराने में सफल रहे। इस चुनाव के बाद इंदिरा गांधी अपनी गुंगी गुड़ी वाली छवि से बाहर निकलकर एक मजबूत नेता के रूप में सामने आई। रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की उम्मीद रखने वाले बुजुर्ग कांग्रेसी नेताओं को पार्टी में दरकिनार कर दिया गया और अपनी राजनीतिक सूझबूझ से इंदिरा गांधी एक निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाने में सफल भी रही, जो भारत के 4th राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन उन्हें जिताने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए। निर्दलीय उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाने के बाद इंदिरा देश की सबसे मजबूत नेता माने जाने लगी। तो दोस्तों, ये थी पॉलिटॉक्स, और आप इसी तरह की जानकारी के लिए इस वीडियो को पसंद करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।